एक्सप्लेन करके रखा। एक्चुअली यही आयरनी है, हम लोग तके जरंग का एग्जैक्टली उसका जेल से ही आ रहा है, उसका सेल से आ रहा है। पिछले डेढ़ साल से दो साल से हम लोग जो इशू को उतारा था और जिस चीज़ को हम लोग करेक्शन करने के लिए बोल रहा था, अभी उल्टा हो गया। जो कल्प्रित था, जो मेन कल्प्रित था, वो बाहर है और जो इशू उतारा था अभी हम लोग को उल्टा अंदर कर दिया। तो जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी बात बोला है, हमने क्लियरली बोला था, क्योंकि ईस्टर डे सेलिब्रेशन करने का मतलब नहीं रहता है, बिकॉज हम लोग का स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो हम लोग को वहाँ रख के स्टेट गवर्नमेंट से हम ये सवाल करना चाहेगा, आप हम लोग को डिटेन करके क्या इशू को रिजॉल्व किया है क्या? वो तो हुआ नहीं है। तो हम लोग ये जो हमारा साथ जो जो अन्याय हुआ है, क्योंकि वो लोग का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि प्रिवेंशन करने के लिए, लेकिन प्रिवेंशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कुछ करेक्टिव मेजर्स लेके आया नहीं है जो सही तरीका से स्टेट का फ्यूचर को लेके कुछ कदम ले सके। अभी तक ऐसे कुछ इनिशिएटिव आया नहीं है। तो अभी हम सरकार को उल्टा सवाल करना चाहेगा कि आप हम लोग को पकड़ के या फिर यहाँ पे इनोसेंट लोगों को जेल में डाल के क्या आप स्टेट का फ्यूचर को क्या इस हिसाब से आप सुधारने जा रहे हैं क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन हर अरुणाचल को पूछना चाहिए। हम लोग को यहाँ पे आप डिटेंशन करेगा, जेल में रखेगा, वो चीज़ हम लोग को सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो न्याय है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है। कभी ना कभी ये बाहर निकल के आना है। तो आज हम लोग यहाँ पे मोर देन 24 आवर्स जेल में बैठ के आज आ रहे हैं और हम लोग बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। हम लोग विल टेक दिस एज अ बैज ऑफ ऑनर। हम अपना स्टैंड में अभी भी करा है और यहाँ से निकल के भी अभी हमारा जो हौसला है अभी भी उतना ही इंटैक्ट है। और जो चीज़ के लिए हमने शुरू किया था डेढ़ दो साल पहले, आज भी हम उसी स्टैंड में करा है। और हमारा जो सवाल है, जो हम इतना समय से पूछ रहे हैं, अभी भी हम उसी चीज़ को सवाल करेगा, आने वाला समय में भी उसी चीज़ को हम पूछेगा। सरकार, आपने अभी तक ये चीज़ को लेके ये APPSC पेपर लीकेज का जो इशू है, अगर चाहे तो इसको 3 महीना के अंदर में सॉल्व कर सकता था, अभी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का सबसे बड़ा, सबसे बर्निंग इशू को सॉल्व नहीं करके आप यहाँ पे सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ है, वो चीज़ हमसे रहा नहीं गया। इसलिए हमने स्टेट पूरा स्टेट वाइड बॉयकॉट करने के लिए हमने अनाउंस किया था। और यहाँ पे हम लोग को जो डिटेंशन जहाँ में हम लोग को रखा है, खास करके वहाँ का जो जितना भी जेल का जितना भी स्टाफ है, हम लोग को बहुत अच्छा से रखा है। वी वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू देम। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ये यहाँ का जो अथॉरिटी है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो सरकार है, जिस हिसाब से ये इशू को दबाने के लिए किसी भी हालत में दबाने का कोशिश कर रहा है, आई थिंक ये बहुत शर्मनाक वाला चीज़ है, ये बहुत दुखद वाला चीज़ है। और आज का ये जो पिछले 2 दिन में हमने जो विटनेस किया, दिस शुड गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज द ब्लैकेस्ट डे। और ये सही मायने में ये ब्लैक डे था, क्योंकि जो लोग सच्चाई के लिए पिछले डेढ़ दो साल से लड़ रहा है, आज उसी को दबाने में लगा हुआ है। तो जनता, आप सब देख रहे हैं, हमारा हौसला, हमारा बुलंद अभी भी उतना बुलंद है। और हमारा जो आवाज़ है, हम लोग को जो चीज़ के लिए, जो सच्चाई के लिए हम शुरू किया था, उसको अभी दबा नहीं सकता है। और जितना भी जनता है, आप सब जो भी फॉलो कर रहा है, जो भी देख रहा है, आप सबको पता है इशू कितना सीरियस है, सरकार अभी तक क्या किया है। और जी जो चीज़ को, जो इशू, जो लोग हम लोग इशू को उतार रहे हैं, जो चीज़, जो लोग हम लोग करेक्शन के लिए मांग रहे हैं, आज उसको ही सप्रेस करने में लगा हुआ है। तो उतना बोल के थैंक यू सो मच। आपका आपका साथ, आपका और राणा उसके बाद मार्गे के अलावा आप लोग कितने लोगों को डिटेन किया गया था? ऐसा है, हम लोग का ओवरऑल हम लोग 6 लोगों को डिटेन किया गया है। तो हाँ, अच्छा लगा आपने सही सवाल पूछा है। हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर और हमारा एक मेंबर है हागे बुतुंग,
अभी भी ये में है, सेंट्रल जेल में है। वैसे तो हम लोग को एक साथ में डिटेन किया गया था, लेकिन आज हम लोग को चार लोगों को रिलीज किया है। अपार्ट फ्रॉम मी, मेरा जो फ्रेंड है, मेंबर है तेची राणा सर, उसके बाद एक मेरा ये एक अपना रिलेटिव भी है, इसका तो कोई लेना देना भी नहीं था, ये मेरा मामा भी है, और उसके बाद और एक मेंबर, हाँ हमारा जो एक मेंबर है मार्गे, उसको भी डिटेन किया गया। एक्चुअली देखा जाने से यहाँ में डिटेंशन करने का जगह भी नहीं था, क्योंकि ये जो इस्तेरू डे को लेके और जो हमारा ब्लैक डे का जो ऑब्जर्व करने का जो हमने अनाउंसमेंट किया था, हमने बोला है कि देखिए इसमें हम जो भी करेगा पीसफुली करेगा, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी हमारा यहाँ पे अप्रोच रहेगा एकदम पीसफुल रहेगा, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ को हमने, इसी चीज़ को लेके हमारा जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे हमारा SP सर हो गया, DC सर हो गया, यहाँ का जितना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो भी अथॉरिटी है, वो लोग से कॉन्स्टेंट टच में था कि आपका तरफ से जो भी हम लोग का तरफ से जो भी कोऑपरेशन हो सकता है, जो भी हमारा तरफ से जो भी बनता है हम लोग करेगा विथ ड्यू परमिशन, विथ प्रॉपर ये कोऑर्डिनेशन के साथ, विथ प्रॉपर कोऑपरेशन। लेकिन इतना ये कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस होने का बावजूद भी हम लोग को विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग, विदाउट इवन हम लोग को अच्छा से कम्युनिकेट भी नहीं करके सीधा उताया गया यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए, लेके आया ये करने के लिए। लेकिन वहाँ से ही हम लोग को रातों रात डिटेंशन में यहाँ पे सेंट्रल जेल में यहाँ पे डिटेन करके रखा है। तो अभी भी हमारा दो मेंबर, इनफैक्ट चेयरमैन और एक मेंबर अभी भी सेंट्रल जेल में है, और हमारा जो यहाँ का पुलिस प्रशासन का ये अश्योरेंस है कि कल सुबह 9-10 बजे तक वो लोग को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और हम ये उम्मीद में ही निकला है कि क्योंकि वैसे तो आइडियली हम ये जितना भी 6 जन जिसको भी पकड़ा है एक साथ रिलीज़ करना था, लेकिन ये टाइमिंग का जो भी ये लोग जो भी रीजंस बताया है, तो कल सुबह तक ये लोग को रिलीज़ करने का अश्योरेंस दिया है, एंड वी आर होपफुल कि कल सुबह तक रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जितना भी ये लोग का तरफ से जो भी मेजर्स लिया है इसको सप्रेस करने के लिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट तरीका से ये बताना चाहूँगा, हमारा जो हम जो फाइट जो ये पिछले इतना समय से ले रहे हैं, हमारा स्टैंड अभी भी उतना ही इंटैक्ट है और हमारा आवाज़ उतना ही बुलंद है। हमें सुनने को आया है कि आप लोगों को बॉन्ड साइन करने दिया है, एक साल तक आप लोग ऐसा कुछ भी आप लोग का इशू के बारे में करना नहीं है, शांति पीस मेंटेन करना है, हमें ये सुनने को, ये कहाँ तक सच है सर? बिल्कुल सच है। एक्चुअली देखिए, आइडियली जितना भी बॉन्ड साइन होता है, मे बी दिस इज अ फॉर्मेलिटी, लेकिन यहाँ पे जितना भी बॉन्ड साइनिंग होता है कुछ गलत काम करने के बाद या फिर कुछ ऑफेंस कमिट करने के बाद, लेकिन हमने कुछ ऑफेंस कमिट भी किया नहीं है, और जो हम लोग को डिटेन किया था ये प्रिवेंटिव मेजर्स था। तो प्रिवेंटिव मेजर्स होने के बावजूद भी अभी हम लोग को एक साल तक 10-10 लाख का जो बॉन्ड साइन करने दिया है, लेकिन यहाँ में जितना भी बॉन्ड साइनिंग होता है आइदर 10,000 का, 20,000 का या फिर मैक्सिमम 1,00,000 तक का, लेकिन यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हम लोग को पता नहीं 10,00,000 का इम्पोज किया है, और इनफैक्ट इतना भी बोला है कि ये लोग को 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ तक लगाना चाहिए। तो पता नहीं यहाँ पे वेंडिता किस चीज़ के लिए निकल रहा है, लेकिन ये 10 लाख का जो भी ये पेनल्टी या फिर जो बॉन्ड साइनिंग का जो लगाया है, हम लोग ये चीज़ को हमने मना किया था, लेकिन हम लोग को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मजबूर किया है साइन करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा आवाज़ को दबाएगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, पहले से जो भी कर रहे हैं, हमने कोई इलीगल काम किया नहीं है, हमारा मांग कोई इलीगल डिमांड नहीं है, हम जो भी मांग रहा है लेजिटिमेट डिमांड है, और हम इसको डेमोक्रेटिकली पीसफुली और हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको मांग कर रहे हैं विद ड्यू परमिशन। तो ये जो बॉन्ड साइनिंग है या फिर जो भी हमारा जो डिटेंशन हुआ है, ये हम लोगों को यहाँ पे सप्रेस नहीं कर सकता है, और जो हमारा अभी तक का जो स्टैंड था, मैंने रिपीटेडली बोला है, अभी भी इंटैक्ट है। सर, पहले हमें हमारे सूत्रों से पता चला था कि आप लोगों को 24 आवर्स से ज़्यादा इलीगली डिटेन करके रखा है, फिर इसके बाद फिर हमें अगली बार ये पता चला कि आप लोग अपने मर्जी से कुछ बैठे हुए थे जेल पे। देखिए, अगर टाइम का हिसाब से देखा जाएगा तो हम लोगों को 19th का शाम को 5:45 PM को डिटेन किया गया था,
लेकिन आज 20 तारीख हो गया है, बाय 5:45 बाय 6 PM वी शुड हैव बीन रिलीज्ड। तो हम लोगों को वहाँ पे पता चलता है अराउंड 9:30-10 बजे अराउंड हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे आप लोगों को रिलीज करने का समय आ गया है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 आदमी को ही रिलीज करने का यहाँ पे ऑर्डर निकला था। तो बाकी 2 मेंबर्स है, इनफैक्ट हमारा एक हमारा चेयरमैन सर तेचीपुरु सर और एक और एक मेंबर, उसको भी निकालना था। तो हमारा मांग ये था कि अगर आप रिलीज़ कराए तो 6 का 6 को एक साथ निकालिए। तो लेकिन वो लोग का बोलना है कि यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा इशू है, तो कल सुबह तक रिलीज़ कर देगा, तो इसके लिए इसमें थोड़ा समय लगा है। लेकिन जो आपने बोला कि हाँ 24 आवर्स से वो लोग ज़्यादा एक्सीड किया है, क्योंकि अगर 24 टाइम के हिसाब से चलने से बाय 6 PM यहाँ में रिलीज़ कर देना चाहिए था।